पूर्वा दिल्ली में। तेलंगाना के खम्मम में जो ये यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, यहां पर टीआरएस ने सब कुछ तो दिखा दिया चंद्रशेखर राव ने, लेकिन क्या ये जो सभी नेता पहुंचे हैं ये मान रहे हैं कि उनके नेता चंद्रशेखर राव होंगे, या फिर अभी इस पर बहुत बातचीत होगी, ये सिर्फ एक साथ तस्वीरें खिंचवाने या एक मैसेज देने की कोशिश है? जी अभी कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम जैसे देख सकते हैं आगे भी हमने ऐसे ही एकता प्रदर्शन करने के लिए पिछली बार भी जब पीआरएस का लॉन्च हुआ था तब हमने देखा था कई सारे और ओपोजिशन लीडर्स आके इस पीआरएस के लॉन्च में शामिल होने के लिए, और आज भी इसी तरह का प्रकट भी हम देख सकते हैं जिस तरह से ये कई सारे ओपोजिशन लीडर्स नेताओं आके केसीआर के जो ये जो पीआरएस पार्टी के लॉन्च और प्रोग्राम्स में है इसमें शामिल हो रहे हैं। अभी बातचीत हो रही है या इनका एक साथ जुड़ना कुछ संभावना है ये सब अभी हम लोग पूरे निश्चय से बता नहीं कर पाएंगे, पर ये जरूर बोलेंगे कि अभी जो ओपोजिशन लीडर्स आए हैं वो सब केसीआर को एक बढ़ावा देने के लिए और एक सपोर्ट देने के लिए आए हैं, इस तरह से कि अब एक साथ शामिल होके एक पूरे एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन के तरह से एक इमेज डिपिक्ट करने के लिए बिल्कुल ये प्रदर्शन जी। आप जरा ये बताइए कि क्या ये जो एकता है ये कांग्रेस पर भी ये दबाव डाल सकती है कि आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि सभी अपोजिशन वाले लोग यूनाइटेड रहें तो आप भी आइए बात कीजिए, और 24 तक कोई भी फिक्स नहीं है कि अपोजिशन का ये सरगना है, हम सब अलग अलग टुकड़ों में साथ हैं, अगर कांग्रेस बड़ा दिल दिखाएगी तो सब साथ होंगे वरना अलग अलग लड़ाई होगी। कांग्रेस के बारे में देख सकते हैं केसीआर कई बार बोल चुके हैं कांग्रेस अभी जो है जिस रूप में कांग्रेस का प्रदर्शन था पिछले कई सालों में अभी उस रूप में कांग्रेस इतना तेज नहीं है और इतना इनका मान नहीं है, ये भी केसीआर ने बताया है कि जिस तरह से अभी कांग्रेस के कई नेताओं को हम देख सकते हैं तो इनका पार्टी भी थोड़ा कम रूप में दिखाई जा सकते हैं, वही केसीआर भी बात किए हैं। अभी पता नहीं है कि किस तरह से केसीआर इस जो नेताओं के साथ बातचीत हो रहा है और जिस तरह से ये लेके जा रहे हैं क्या ये कांग्रेस को भी एक एकता रूप से शामिल कर लेंगे, नहीं तो किस तरह से केसीआर पीआरएस पार्टी को लेके जाएगा। अपूर्वा कितनी देर में ये सारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है और कितनी देर ये चलेगा, कार्यक्रम को लेकर भी वो जानकारी दे दीजिए आप। आज पूरे दिन जैसे हम देख सकते हैं अभी कुछ ही समय में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव यादादी टेंपल को भी जा रहे हैं, जैसे इस टेंपल में इनका जो पूरे आज पूरे के दिन प्रोग्राम्स का भी शेड्यूल है इन सारे चीफ मिनिस्टर्स और ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स के साथ भी, आज शाम को 3-4 बजे के आसपास केसीआर का पब्लिक रैली भी है, एड्रेसिंग भी है, जहां हम देख भी सकते हैं कई हजार लोगों जो इस पब्लिक रैली और गैदरिंग में शामिल हो जाएंगे, कई इंटेंस सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के इस मंच में प्रोपोजिशन सब करना किस तरह से प्लानिंग किया है हम देख भी सकते हैं। जस्ट जिस महीने मतलब बीआरएस पार्टी को दिसंबर में लॉन्च हुआ था और दिसंबर से आज तक जिस तरह से इन लोगों ने प्लानिंग की गई है ये सब आज दिखाई देगा आज खम्मम में जब बीआरएस के नेता और तेलंगाना के। ठीक है अपूर्वा, आप लगातार नजर बनाए रखिए, ब्रेकिंग न्यूज में आगे भी आपके पास हम आएंगे, आपसे अपडेट लेंगे, इस बड़ी खबर पर हमारी भी नजर जो है वो बनी हुई है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप खम्मम की रैली से, विपक्षी एकता की कोशिश है और संदेश और संकेत बड़ा है 2024 के मद्देनजर।